वेलकम टू ग्लैमबल टॉक्स। आज ईद के दिन मुनव्वर फारूकी ने जितने भी अपने फैंस हैं उन सबको बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। इनफैक्ट एक से ज़्यादा गिफ्ट्स आज मुनव्वर फारूकी ने अपने फैंस को दिया है। पिछले 4-5 दिनों से मुनव्वर फारूकी ये टीज कर रहे थे कि ईद के दिन कुछ आने वाला है। ज़्यादातर लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कोई म्यूज़िक वीडियो आने वाला है, क्योंकि मुनव्वर फारूकी जो अपना टीज़र डाल रहे थे ट्विटर पे और अपने सोशल मीडिया पे, उसमें सीडी का सिंबल बना हुआ होता था, तो बहुत सारे लोगों ने सोचा कि ये शायद एक म्यूज़िक वीडियो है। लेकिन आज जब 12 बजे टीज़र रिलीज़ हुआ तो जितने भी फैंस थे वो सारे काफ़ी प्लीजेंटली सरप्राइज्ड हुए, क्योंकि वो टीज़र लगभग 2 मिनट का था और टीज़र देखने के बाद ये तो कन्फर्म था कि ये म्यूज़िक वीडियो तो नहीं है। काफ़ी सारे फैंस के मन में डाउट आ गया कि ये म्यूज़िक वीडियो है, वेब सीरीज़ है, मूवी है, क्या है ये, क्योंकि उस टीज़र के लास्ट में मुनव्वर फारूकी कहते हैं कि पूरी पिक्चर क्या टीज़र में ही देख लोगे। अब पूरी पिक्चर ट्रेलर में देखोगे क्या? तो यहाँ से लोगों को ये डाउट होने लगा कि क्या ये मूवी है। फिर बाद में पता चला कि ये मूवी नहीं, वेब सीरीज है, जिसको मुनव्वर फारूकी ने खुद ने अपने एक स्टेटस डाल के कन्फर्म किया। उसके बाद मुनव्वर फारूकी ने अपने फैंस को एक और गिफ्ट दिया, जबकि वो लाइव आए। लाइव करीब वो 5-6 मिनट के लिए बिना बताए एकदम सडनली अपने प्रोफाइल से वो लाइव आ गए, और लाइव आने के बाद मुनव्वर फारूकी ने और कई सारी चीज़ों के बारे में बताया, और साथ ही जो मुनव्वर के फैंस हैं उनको ये भी देखने में मज़ा आया कि मुनव्वर फारूकी ने अपने लाइव में जोकर को भी रोस्ट किया। उसके अलावा बहुत सारे उसके जो हेटर्स हैं, जो दिन रात सट्टा वाले गेमिंग एप्स जो है वो प्रमोट करते रहते हैं, उनको रोस्ट किया, और मुनव्वर ने अपने आने वाले गानों के बारे में भी डिटेल में बताया। इस वीडियो में हम आपको इस जो वेब सीरीज आने वाले हैं मुनव्वर फारूकी की, उसके बारे में सारी जानकारी देंगे, और मुनव्वर के और आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो गाने हैं, उसके बारे में भी हम बताएंगे, और मुनव्वर फारूकी ने अपने लाइव आकर क्या क्या बातें कही उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो कि कल ही हमने वीडियो बनाकर बताया था, कि ये जो पूरा अंडा फेंकने वाला इंसिडेंट है जिसपे जोकर जैसे और कुछ बिग बॉस तक जैसे चैनल्स जो है एक फेक खबर को एम्पलीफाई करके मुनव्वर के अगेंस्ट ऐसे चला रहे हैं जैसे मुनव्वर पर कोई अंडा फेंका गया। इनफैक्ट अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसपे इल्विस से जो भी लड़की इंटरव्यू कर रही थी वो ये सवाल करती है कि मुनव्वर फारूकी पे अंडा फेंका गया, बहुत सारे मॉब मुनव्वर के अगेंस्ट आ गए थे। मुनव्वर जो है अभी हाल ही में मोहम्मद अली रोड गए थे, वहाँ पर अगर आप देखेंगे उनके फैंस तो वहाँ जमा हुए थे, लेकिन अंडों से मतलब अंडे फेंके गए उनके ऊपर, काफी मतलब मॉब किया गया, मॉब तो आपके साथ हुआ क्या, आपके साथ कभी ऐसा इंसिडेंट? अरे बहन, कोई भी मॉब मुनव्वर के अगेंस्ट नहीं था, वहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा हुई थी वो मुनव्वर के फेवर में था, और मुनव्वर फारूकी ने खुद से इस बात को क्लैरिफाई भी आज किया अपने लाइव में कि झगड़ा मुनव्वर फारूकी से किसी का नहीं हुआ, किसी ने मुनव्वर फारूकी पर कोई अंडा नहीं फेंका। दो जो आपस में दो दुकानदार थे उनकी आपस की झगड़ा थी, उनके आपस का जो मनमुटाव था, और जो दो बिजनेसमैन होते हैं, दो दुकानदार होते हैं, एक पे ज़्यादा कस्टमर आने लगता है तो पड़ोसी चिढ़ने लगता है, ये वाला सिर्फ मामला था। वहाँ पर मुनव्वर फारूकी पे कोई अटैक नहीं हुआ, मुनव्वर फारूकी पे कोई अंडा नहीं फेंका गया, मुनव्वर फारूकी उसमें किसी तरह से डायरेक्टली इन्वॉल्व था ही नहीं। इस बात को मुनव्वर फारूकी ने अपने लाइव आके भी अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप एक बार वो सुनिए। और दोस्तों, मेरे को किसी ने अंडा अंडा नहीं मारा, मैं ठीक हूँ। वहाँ पे जो दो दुकानदार थे उन लोग के बीच में फाइट चल गई थी, तो तुम्हारा भाई थोड़ा भड़क गया था, वो चिचाई चलो अंडे अंडे लग गए ना तो तुम्हारा भाई अपने को कौन मारेगा भाई, तो मैं ठीक हूँ, मेरे को किसी ने अंडा अंडा नहीं मारा। अरे वो एक चचा थे उनको लग गया, और सी ऑफिसर एक वहाँ थे उनको एक अंडा लग गया, और उन लोग का दुकान वालों का आपस में चल गया था, बिकॉज ऑफ जेलेसी होती है ब्रो, क्या है। तो सुना आपने, मुनव्वर फारूकी ने भी क्लियरली बता दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, वो झगड़ा जो था किसी और का था। मुनव्वर फारूकी ने देखा कि एक चचा थे उन पे अंडा लगा, और एक वहाँ पे कोई ऑफिसर था उस पे अंडा लगा, तो मुनव्वर फारूकी ने वहाँ उन पे रिएक्ट किया। बाकी मुनव्वर फारूकी से कोई लेना देना नहीं था, दो दुकानदारों का आपस का बीच का झगड़ा था। तो ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं, अपने आप को मीडिया चैनल और बहुत चैनल खोल के बैठे हैं, वो दिन रात जो झूठ फैलाते रहते हैं, उनको झूठ फैलाने से पहले एक बार ग्राउंड पे जाके अपने रिपोर्टर्स को भेज के फैक्ट्स को वेरीफाई करना चाहिए, और अगर नहीं वेरीफाई कर सकते तो ऐसे ही किसी इधर उधर के छोटे मोटे पोर्टल से कुछ खबर उठा के उसको एम्पलीफाई करके नहीं चलाना चाहिए। वहीं जितने भी बड़े टाइम्स ऑफ इंडिया टाइप के जो अखबार थे वो मुनव्वर के फेवर में अच्छी बातें लिख रहे थे। हालांकि आज के इंटरव्यू में भी इल्विस यादव ने अच्छा रिस्पांस दिया कि जब आदमी सक्सेसफुल होता है तो उसके चाहने वाले जितने बढ़ते हैं वैसे ही उसके हेटर भी बढ़ते हैं, तो अगर इस तरह की घटना हुई है तो गलत है, ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए।
ये इंसिडेंट मेरे साथ नहीं हुआ, बट ये भी गलत है, मैं उसको वो नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छा करा या फिर मैं ट्रॉल नहीं करूँगा, मैं बस ये बोलूँगा कि इंसान ना अकेले पड़ जाता है ऐसे सिचुएशन में, मतलब जो भी कोई इतने सारे लोग तुम पे जो भी कर रहे हैं तो उसमें बड़ा बुरा फील होता है एक्चुअली, ऑब्वियसली कि कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है, बट हाँ कामयाबी के साथ ऐसी चीज़ें आती हैं, अच्छे लोग चाहने वाले मिलते हैं तो बुरे भी मिलते हैं, तो देखो हमारे साथ तो भगवान की दया से अभी तक नहीं हुआ, हम चाहेंगे भी नहीं कि हमारे साथ नहीं किसी के साथ भी ना हो। तो एल्विस ने सही एक बैलेंस्ड रिस्पॉन्स दिया, लेकिन जो रिपोर्टर हैं वो इस तरह के बाह्यात सवाल जो है उनको नहीं पूछना चाहिए जब उनको फैक्ट्स का कोई ज्ञान ना हो। तो वहाँ पर जो भीड़ थी, मॉब थी, वो पूरे के पूरे मुनव्वर के फेवर में थी, उसके अगेंस्ट में नहीं थी। इसके बाद जब मुनव्वर फारूकी इस इंसिडेंट, एक वाले इंसिडेंट को बता रहे थे, तो उनको ध्यान में आया कि जोकर भी इस पे मजे लेके अंडे का फंडा उसने ट्वीट किया था, तो मुनव्वर फारूकी जोकर को भी बेहतरीन रोस्ट करते हुए कहते हैं कि क्या करे, हमसे तो जलने वाले जो लोग हैं वो मेरे कॉम्पिटिशन में भी नहीं है। तो मुनव्वर का ये जोकर रोस्ट है, ये आप सुनो, इसको भी सुन के मजा आ जाएगा। जेलेसी होती है ब्रो, क्या है, कॉम्पिटिटर जलते एक दूसरे से, अपने से जो अगले लोग जलते हैं वो तो अपने कॉम्पिटिशन है ही नहीं इसलिए अपन नहीं जलते। तो देखा आपने कैसे मुनव्वर फारूकी ने जबरदस्त रोस्ट किया जोकर को। इसके बाद मुनव्वर फारूकी ने जो अंजलि अरोड़ा जैसे लोग हैं और भी ऐसे कई सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो कि बेटिंग ऐप को प्रमोट करते रहते हैं, उनको भी रोस्ट किया और अपने सारे फैंस से कहा कि आप लोग बेटिंग, जुआ, ये सब मत खेलो, इन सब ऐप में ध्यान मत लगाओ, कंस्ट्रक्टिव काम करो। तो ये पार्ट भी आप मुनव्वर फारूकी का सुनिए। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखना, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, जुए हुए मत खेलना, नशे वशे से दूर रहना, ठीक है, ये बैटिंग ऐप वगैरह पे कुछ टाइम वेस्ट मत करना, पैसा वेस्ट मत करना, ठीक है। उसके बाद मुनव्वर फारूकी ने एक बहुत बड़ी और खुशखबरी दी, जबकि मुनव्वर फारूकी ने ये बताया कि मुनव्वर फारूकी का 4 गाना जो है ऑलरेडी बन के तैयार है, जिसमें से एक गाना मुनव्वर फारूकी का सोलो है, उसमें उनका खुद का ओरिजिनल सिंगल गाना है, और बाकी 3 गाने में उनके साथ कोई और है जिसमें कोलैब है, यानी मुनव्वर फारूकी अकेले नहीं, 3 लोग, जो बाकी 3 जो गाना है उसमें मुनव्वर फारूकी के साथ कोई और सिंगर भी है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैक टू बैक मुनव्वर फारूकी के 4 गाने, यानी गानों का कंटेंट की तो कोई कमी नहीं होने वाली है, नॉन स्टॉप मुनव्वर फारूकी के गाने आने वाले हैं। आप एक बार सुनिए मुनव्वर फारूकी ने अपने गानों के बारे में क्या कहा। सो दोस्तों, मैंने 2-3 गाने, 3-4 गाने जो थे वो जो बिग बॉस पहले बने हुए थे, वो रिलीज नहीं हुए बिकॉज ऑफ द बिग बॉस, तो वो सारे कुछ कोलैब है, 1 सोलो है और 2-3 कोलैब है, तो वो गाने अभी रिलीज होने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो फाइनली जो वेब सीरीज फर्स्ट कॉपी आ रही है मुनव्वर फारूकी की, उसके बारे में। जो मुनव्वर फारूकी का वेब सीरीज फर्स्ट कॉपी आ रहा है, कि जितनी भी डिटेल है इसमें, कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिख रहा होगा। जो प्रोड्यूसर हैं वो हुसैन कुर्जी हैं, और उनके साथ को प्रोड्यूसर्स जो हैं वो फिरदौस सईद और जितेंद्र सिंगला है। म्यूजिक डायरेक्टर जो हैं शौविक चक्रवर्ती हैं। जो डायरेक्शन टीम है उसमें शिवम बावा और उसके साथ रौनक कपूर ये हैं। उसके साथ साथ जो मेन डायरेक्टर वो फरहान जामा हैं। स्टोरी, स्क्रिप्ट, डायलॉग्स, इन सब को फरहान जामा ने लिखा है और साथ में मुनव्वर फारूकी ने भी लिखा है। मुनव्वर फारूकी और फरहान जामा ने मिलकर स्क्रिप्ट, स्टोरी, डायलॉग्स, इन सब पे इन्होंने मिलकर काम किया है। और इस वेब सीरीज के लीड एक्टर तो मुनव्वर फारूकी ही हैं, ये आप सबको पता ही चल चुका है। ये वेब सीरीज एक्चुअली जब 90s में बहुत ज़्यादा CD की पायरेसी होती थी, मूवीज़ की पायरेसी होती थी CDs के थ्रू, जब भी कोई मूवी सिनेमा हॉल में लगती थी तो उसके बाद उसको रिकॉर्ड करके CD में लोग ट्रांस बना के और उसका पायरेटेड CD बेचते थे। ये इसकी पटकथा है, ये इसकी जो बैकग्राउंड है। इसमें मुनव्वर फारूकी एक लीड विलेन टाइप का, एक निगेटिव कैरेक्टर टाइप का सेंट्रल कैरेक्टर होंगे, जिसमें कि पूरी की पूरी कहानी मुनव्वर फारूकी के इर्द गिर्द ही घूमेगी। जैसे कि अभी आपने शाहिद कपूर की फर्जी फिल्म देखी होगी, उस तरह का एक रोल जो है मुनव्वर फारूकी का होगा। शाहिद कपूर फर्जी जो वेब सीरीज थी उसके अंदर वो नकली जो पैसे बनाते हैं, यहाँ पर मुनव्वर फारूकी नकली CD बनाने का काम करता है। तो ये पूरी की पूरी कहानी और बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको पता चल जाएगी। कई सारे लोगों का सवाल ये था कि ये जो वेब सीरीज़ है वो मुनव्वर फारूकी के YouTube चैनल पे आएगा या फिर किसी OTT पे आएगा। अभी तक तो किसी OTT का कन्फर्मेशन नहीं है। अगर किसी OTT के साथ टाइप हो चुका होता तो ये टीज़र भी उनके चैनल से ही रिलीज होता, ना कि मुनव्वर फारूकी के खुद के YouTube चैनल से। तो इसका मतलब ये है, 90% चांसेज ये है कि वो मुनव्वर फारूकी के YouTube चैनल पे ही रिलीज़ होगा। लेकिन चूंकि इसकी जब हाइप इतनी बन गई है तो हो सकता है कि कोई OTT चैनल जो है खरीद ले इसको, तो फिर ये OTT पर भी रिलीज हो सकता है। पर फिलहाल आप ये मान के चलिए कि ये मुनव्वर फारूकी के YouTube चैनल पे ही रिलीज होने वाला है।
तो बस ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जो मुनव्वर फारूकी से जुड़ी हुई आज हमें मिली है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए थैंक यू।